हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से, और नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, बच्चे स्कूल गए हैं। तो मैं यहाँ पे नर्सरी से काफ़ी फूल के पौधे लेके आई थी और मैंने इन सबको लगा दिया है। अभी मैंने इसको रखा है छाया पे, क्योंकि एकदम लगाने के बाद धूप में रखो तो मुरझा जाते हैं, और मुझे अब इन गमलों को भी पेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे गमले पेंट कर दिए हैं, और अभी मैंने इसको धूप में सुखाने के लिए रखा है। जब ये सूख जाएंगे तब इसको इनकी जगह पे रख दूँगी मैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बना रही हूँ दिन का खाना, और फिर जाऊँगी उसके बाद बच्चों को लेने के लिए। तो आज हमारे दिन के खाने में बन रहा है कढ़ी चावल, पकौड़ी वाली कढ़ी, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद है। तो दिन का खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं, और अब मुझे करनी है फ्रिज की सफाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि साफ़ करूँगी करके, तो आज आ गई है फ्रिज की बारी। तो मैं सारे सामान एक बार बाहर निकाल देती हूँ फ्रिज का, फिर अच्छे से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे नीचे ट्रॉली में मैंने कुछ पोटलियाँ रखी है, इसमें कुछ सामान है जो कि बरसात में ख़राब हो जाते हैं, तो फ्रिज में रखो तो सेफ़ रहता है। तो मैंने सारे इसी में पोटली बना के रखी है। ये है राजमा की दाल, बाहर रखो तो सारे कीड़े लग जाते हैं, इसलिए फ्रिज में रखना पड़ता है। तो मैंने फ्रिज से निकाल दिया है सारा सामान, अब निकाल लूँ मैं इस ट्रे को। और ये है कांच की, तो बहुत सावधानी से इसको निकालनी पड़ती है, टूटने का भी डर रहता है।
तो मैंने यहाँ पे फ्रीजर के ऊपर के पार्ट के सारे ट्रॉली और ट्रे निकाल दी है। तो अब बारी आती है नीचे फ्रीजर की, इसका फ्रीजर नीचे है। तो ये है आंवला, जारों में मैंने इसको ऐसे काट के रख दिए थे पन्नी में, तो ये बिल्कुल सेफ़ है, अभी हरे हरे हैं। कभी चटनी बनाती है तो काफ़ी अच्छे होते हैं इसकी चटनी। तो इसके नीचे भी एक ट्रे है, तो इसमें भी मैंने कुछ पोटलियाँ रखी है। ये है चावल, घर के चावल, और ये है मीठे करेले, इसको सुखा के रखे हैं, और कुछ दालें वगैरह भी मैंने यहाँ पे रखी है। तो मैंने यहाँ पे सारे ट्रॉली और ट्रे निकाल दिए हैं फ्रिज के, तो मैं सबसे पहले इनको धो लेती हूँ ताकि फ्रिज साफ़ करने तक ये सूख जाएंगे। तो सारे ट्रॉली और ट्रे मैंने धो के रख दिए हैं, अब मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज की सफाई कर दी है, अंदर बाहर सब जगह अच्छे से साफ कर दिया है, और अभी इसकी ट्रॉली और ट्रे सूखेगी, तब मैं जो ये यहाँ पे सामान पड़े हैं सबको एडजस्ट करूँगी। तो यहाँ पे टाइम हो गया अभी शाम के 5, और 4 बजे से मैं फ्रिज साफ़ करने में लगी थी, पूरा 1 घंटा लग गया मुझे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए, और जब तक चाय बनती है तो मैं फटाफट से लगा लेती हूँ किचन के पर्दे, और रूम के सारे पर्दे तो मैंने धो के लगा दिए थे, और बस अब बचे हैं यहाँ पे किचन और ये बाहर वाला दरवाज़ा है, इसी के पर्दे बचे थे, तो मैं इसको लगा देती हूँ, फिर उसके बाद पी लेती हूँ चाय। तो मेरी यहाँ पे चाय बन के हो गई है रेडी, और अब मैं फटाफट से पी लेती हूँ चाय। चाय पीने के बाद मेरी यहाँ पे ट्रॉली सूख गई है, अब मैं इसको सबको अच्छे से सेट कर देती हूँ।
तो मैंने यहाँ पे जिन गमलों को पेंट किया था वो सबको यहाँ पे सेट कर दिया है। अभी मैं नर्सरी से छोटे पौधे लेके आई थी, अभी इनमें ज़्यादा फ्लावर नहीं आए। जब सारे पौधे में फ्लावर खिल जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये तो रोज़ है, ये मैं गांव से लेके आई थी। और यहाँ पे कुछ प्लांट हैं, ये तो पहले के ही हैं और ये हमेशा सदाबहार रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।